का सटीक बैठ गया, एक अंक मिलता हुआ दिल्ली को, वन लव। बेस्ट ऑफ थ्री का मैच होना है, तीन से एक तक चलेगा, 25 पॉइंट बनाने होंगे किसी भी टीम। लाडो जर्सी नंबर एक, वन लव के साथ ये सर्विस खिलाई के पाले में, बॉल लिफ्ट हुई है, स्मैश लगाया लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस दिल्ली का। एक बार फिर से बॉल लिफ्ट हुई है दिल्ली के पाले में लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई सेकेंड डिफेंस की लाइन। वन ऑल, एक बराबर, दोनों टीमें एक एक अंक ले चुकी हैं पहले मिनट के खेल में। पहला सेट चलता हुआ तीसरे स्थान के लिए यह मैच खेला जा रहा है। तैयार, दूर छोर से यह सर्विस, दिल्ली के पाले में बॉल आ चुकी है, लिफ्ट की गई है नेट के पास, मौका लेकिन बहुत अच्छा वहां पर ब्लॉक। एक बार फिर से मौका बन रहा है भिलाई के पाले में, अच्छा ब्लॉक दिल्ली का, और दिल्ली एक बार फिर से अटैक करने की पोजीशन में है लेकिन इंप्रोवाइज कर दिया अपने स्मैश को, और बॉल फिर से वापस भेज दी गई है भिलाई के पाले में, लिफ्ट की गई है, छोटी बॉल है, पुश किया बेहतरीन लेकिन उससे भी अच्छा डिफेंस। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर सुनाई देगी थोड़ी देर के बाद, और दिल्ली के पाले में बॉल आ चुकी है और डाल देने का खराब प्रयास। खिलाड़ी पहला सेट प्रारंभिक क्षण 3-2 के साथ, भिलाई के पाले में बॉल आ चुकी है, कोमल एक बार फिर से तैयार, अच्छा ब्लॉक इस बार जर्सी नंबर 7 का, 4-2, 4-2, तैयार जर्सी नंबर 10 दिल्ली टीम की खिलाड़ी, सशक्त टीम है दिल्ली की और उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। 4-2 के साथ ही सर्विस, भिलाई के पाले में बॉल एक बार फिर से पुश की जा रही है लेकिन अपने ही पाले में फेंक बैठी बॉल को, 5-2। शुरुआत में नर्व कंट्रोल करना होता है खिलाड़ियों को, पहले सेट में गेम बहुत ही नियंत्रित करना पड़ता है और चूंकि बहुत ही प्रतिष्ठित मुकाबला है, तीसरे स्थान जर्सी नंबर 10 रनिंग सर्विस उनकी अच्छी थी, सेंटर ने उसे रिसीव की है और इस बार गफलत होते होते बची दिल्ली के पाले में और आखिरकार हो ही गई साइड लाइन के बाहर। रायपुर टीम्स के खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, फाइनलिस्ट टीम है अपने डग आउट में वो जाते हुए, 3-5 स्कोर। फाउल कहा है रेफरी ने, रोटेशन का फाउल है, अंक मिला दिल्ली को और अभी भी खिलाड़ी अपील कर रहे हैं लेकिन रेफरी बहुत ही मजे हुए हैं। 6-3, ये सर्विस खराब सर्विस हुई, नेट पर जाकर के बाल लगी है, 4-6, 4-6, 4 अंकों के साथ तैयार भिलाई सर्विस करने के लिए जर्सी नंबर 9, और बहुत ही दूर दूर से दर्शक इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हुए हैं। निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट अपने सफलता की कहानी अपने आप बयां कर रहा है, न केवल सिझोरा के दर्शक हैं इस मैदान में बल्कि बिछिया के दर्शक भी हैं, बैहर के भी दर्शक हैं, किवलारी से भी दर्शक आए हुए हैं सिवनी जिले से, और हमारे छत्तीसगढ़ से भी काफी तादाद में दर्शक इस मैच को देखने आए हुए हैं, और चूंकि बालाघाट से भी सीमाएं लगती हैं इस क्षेत्र की तो वहां पर बालाघाट बैहर से भी दर्शक यहां पर उपस्थित। एक और अंक दिल्ली को, 7-5, 7 अंकों पर है दिल्ली, 5 अंकों पर भिलाई, तैयार होती हुई उनकी जर्सी नंबर 6, 7 अंकों के साथ ये सर्विस, कोमल ने रिसीव की और जर्सी नंबर 5 ने बॉल को लिफ्ट किया, पुश कर दी गई है बॉल, एक बार फिर से दिल्ली का अटैक देखना होगा, प्लेसमेंट कर दिया अंतिम समय में, मौका ज्यादा बन नहीं रहे हैं या टीमें अभी पावर गेम नहीं खेलना चाह रही हैं, इस सेट पर अपने आप को एनर्जी लेवल को मेंटेन करना चाह रही हैं। ब्लॉक आउट से बॉल बाहर, 8-5, 8-5, 8 दिल्ली 5 भिलाई, पहला सेट प्रगति पर, शंकर शाह रघुनाथ शाह स्पोर्ट्स क्लब सिझोरा के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जिसका ये थर्ड प्लेस के लिए खेले जाने वाला प्रतिष्ठित मुकाबला, दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर चलती हुई, 6-8, 6-8, 6 अंकों के साथ भिलाई सर्विस करेगी बैक लाइन के पीछे से, ओवर आर्म सर्विस, रोल करती हुई बॉल, जर्सी नंबर 1 ने लिफ्ट किया है और भिलाई के पाले में बॉल बन रही है, प्रयास करेंगे स्मैश लगाने का लेकिन पावर नहीं लग रही खिलाड़ियों में, और ये देखना है क्या कहा, आउट कहा है लाइनमैन ने, अबे स्मैश, 7-8, 7-8, तैयार एक बार फिर से भिलाई टीम की खिलाड़ी,
लाइट्स ऑन हो चुकी है मैदान के अंदर और तेज रोशनी दिखती हुई। 7-8 पर चलता हुआ सेट पहला और सब नेट के पास है दिल्ली की टीम। थर्ड लाइन पर कोई डिफेंडर नहीं है, हालांकि स्मैशिंग नहीं हो रही है अब हुई, लेकिन अच्छा वहां पर डिफेंस। फिर से रिटर्न स्मैश, एक हाथ से प्रयास लेकिन काफी नहीं रहा वो प्रयास। दो खिलाड़ियों ने भरपूर कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और खासकर दिल्ली की 8 ऑल हो चुका है स्कोर। दिल्ली टीम की जो जर्सी नंबर 1 पर खिलाड़ी है व्हाइट कॉम्बिनेशन में, इनका गजब का परफॉर्मेंस होता है। ऑलराउंडर खिलाड़ी है और लिफ्टर वो बहुत जबरदस्त है अपनी टीम के लिए। ये देखिए कितना अच्छा बॉल उन्होंने दिया और कल भी उन्होंने एक मैच अपने दम पर बनाया था जबकि वो एक सेट हार गई थी दिल्ली और दूसरे सेट में नागपुर की टीम बढ़त बना ली थी। तब भी जर्सी नंबर 1 की जो खिलाड़ी है लाडो, उन्होंने अपने अकेले दम पर उस सेट को जिताया और आखिरी में वो मैच जीतने में भी सफल रही। आज वैसे ही कुछ खेल की यहां पर दरकार। 9-8 होता हुआ स्कोर दिल्ली के पक्ष में। 9 अंकों के साथ ये सर्विस भिलाई के पाले में स्मैश और सफल रहा क्योंकि ब्लॉकर एक ही थी वहां पर नेट के पास और पावर अच्छी थी उसे स्मैश में। 9-8 ऑल। माफ कीजिएगा 11-9 स्मैश दिल्ली का नेट के ऊपर। 10-11 12-9 और ये टाइम आउट लिया गया है दिल्ली के द्वारा। 12-9 है स्कोर और पहला टाइम आउट है। नेट के पास बमुश्किल बॉल क्लियर की गई भिलाई के पाले में। स्मैश बेहतरीन, दो डिफेंडर वहां पर मौजूद लेकिन अंक लेने में सफल भिलाई। 13-9 13-9 सर्विस एक बार फिर से होगी भिलाई की ओर से 13 अंकों के साथ। बैक लाइन के पीछे से ये सर्विस दिल्ली के पाले में बॉल। जर्सी नंबर 10 का स्मैश और भिलाई का अटैक जबरदस्त। अंक मिलता हुआ एक बार फिर से भिलाई को। काफी पिछड़ रही है दिल्ली की टीम। 14-9 वापसी करनी पड़ेगी दिल्ली को पहले सेट पर। काफी पिछड़ रही है टीम 5 अंकों से। 14-9 है स्कोर। ये सर्विस दिल्ली के पाले में लिफ्ट अच्छी हो रही है लेकिन अटैकर वहां पर राइट टाइम पर आई और उन्होंने एक अच्छा अटैक किया। अंक लिया दिल्ली ने 10-14 किया स्कोर। 10-14 10 अंकों के साथ तैयार जर्सी नंबर 9। बैकलाइन के पीछे से ये सर्विस भिलाई के पाले में। अटैक भिलाई का और डिफेंस नहीं किया जा सका इस स्मैश को। बॉल मैदान के बाहर। 15-10 सर्विस भिलाई की दिल्ली के पाले में बॉल। तीसरे प्रयास के बाद फिर से भिलाई के पाले में आती हुई लिफ्ट हुई है बॉल। कोमल का स्मैश और भाग्यशाली भी नहीं नेट पर लगने के बाद विपक्षी टीम में बॉल गिरती हुई।